बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और ये वैकेंसी बड़ी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। नंबर ऑफ पद, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए है, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही, ताकि आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो बिहार के बच्चों में, और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप पुरुष तो ना देखें, क्योंकि जो है ना, कोई भी पुरुष हो महिलाओं से जरूर कनेक्ट होता है, कोई उसकी माँ होती, बहन होती, बीवी होती है। तो जो है ना, आप उन्हें भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बिहार में, महिला पर्यवेक्षक। इसका मतलब क्या होता है, लेडी इंस्पेक्टर के नाम से कह सकते हो, ठीक है। तो इसके पदों पर भर्ती है। अब ये जो है ना आपकी भर्ती है, समाज कल्याण विभाग में है भर्ती, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग में महिला पर्यवेक्षक की आपकी भर्ती है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आप जिस जिले के रहने वाली हैं उस जिले में अपना फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी पहली बात कि एक तो अगर आप जो है ना साधारण है, नॉर्मल है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपने जो है ना आंगनवाड़ी में, आप जो है ना इसमें पहले से इसमें संबंधित है, आंगनवाड़ी में कोई अपना काम कर रहा है, कोई आंगनवाड़ी में भर्ती है, ठीक है, तो आंगनवाड़ी में जो भी महिलाएं भर्ती हैं तो उनके लिए इसमें डायरेक्ट रिजर्वेशन। जो भी इसमें सीटें हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रिक्त पद हैं वो 3334 हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ पद जो है ना डायरेक्ट भरे जाने वाले हैं, और कुछ पद ऐसे हैं जो आंगनवाड़ी में पहले से ही काम कर रहे हैं, उनके लिए पद वो रिजर्व हैं। तो अब चलो, अब हम डिटेल में, ये मोटी मोटी बात थी जो मैंने पहले बता दी। अब अगर आप इन सब चीज़ों से सहमत है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप इसे कंटिन्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अनुबंध आधार पर, मतलब कि होता है कि आपकी संविदा बेस पर भर्ती है आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बेकार सी है, एक बेहतरीन पेमेंट। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी उम्र सीमा कितनी है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसको फॉर्म को कैसे भरना है, ऑफलाइन कैसे करके भेजना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अनुबंध मतलब कि संविदा बेस पे आपकी भर्ती है, महिला पर्यवेक्षक आपका पद, लेडी इंस्पेक्टर के नाम से आप कह सकते हो इसे, ठीक है। तो देखिए, अब आगे बढ़ने की श्रृंखला में, तो ये जो आपका वैकेंसी हो रही है, ये बाल विकास सेवा योजना के तहत आपकी जो है ना भर्ती हो रही है। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की है। अब इसमें जो भी पैसा खर्च होता है, ये भी देख लो, 90% पैसा केंद्र सरकार देती है और 10% जो पैसा है वो राज्य सरकार देती है, ठीक है। तो मोस्टली आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार का इसमें ज़्यादा रोल है। अब देखो, जो जो इम्पोर्टेंट बात, वो मैं आपको बताऊं कि जो ना पद रिक्त हैं 3334 टोटल पद रिक्त हैं, ठीक है। तो आपकी इन्हीं के बेस पे आपकी भर्ती होने, यानी आपके लिए पद हैं 3334 पद हैं। अब आगे बढ़ने की श्रृंखला मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो है भर्ती, ये वाले पद संविदा पर नियोजित होने वाली महिला पर्यवेक्षक के लिए कर्णांकित हो जाएंगे। कहने का मतलब, ये जो पद है ये संविदा के बेस पर महिलाओं को मिलने वाले हैं, ठीक है। तत्काल अनुबंध के आधार पर, मतलब कि तुरंत, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कि आपको जो है ना 1.5-2 साल वेट करना पड़ेगा, फिर भर्ती का प्रोसेस चलेगा। बहुत जल्दी, ताबड़तोड़ एकदम बहुत जल्दी, काफ़ी तेजी के साथ में इसका सिलेक्शन होने वाला है। आपको देखिए, सबसे पहले विज्ञापन इसका आ चुका है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल के भेजना का है, वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, ठीक है। तो देखिए, और आपको जिलावार जो है ना, आप जिस जिले के रहने वाली हैं उसी जिले के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिस जिले में रह रहे हो उस जिले के लिए आप आवेदन पत्र भर पाएंगे। अब देखिए, इसकी जो मुख्य अर्हताएं हैं, अभ्यर्थी केवल महिला हो, ठीक है, सिर्फ महिलाएं भर्ती कर पाएंगे, भारत का नागरिक हो, ठीक है, और जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ बिहार के ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप और कहीं के होंगे तो आप किसी और जिले के होंगे, ठीक है, तो इसलिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि बिना निवास प्रमाण पत्र के इसमें काम नहीं चलेगा। अब देखो, जो
75% पद हैं जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जाएंगे, और जो 25% पद हैं वो आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी पद हैं, 3000 मैंने आपको पद बताए, तो इसमें 75% जो पद हैं इसका 75% निकालिएगा, वो जो है ना समिति के अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। ठीक है, और मतलब कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे कि आपकी मेरिट किस बेस पर बनने वाली, और जो 25% पद हैं ये आंगनवाड़ी के जो अभी काम कर रहे हैं उनके, वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो वो लोग इसमें बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आंगनवाड़ी में इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता, इसमें थोड़ी सी पेमेंट आपकी ज़्यादा है। अब देखो, अनिवार्य अर्हता आपके पास क्या होनी चाहिए? अनिवार्य अर्हता है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ठीक है, कहने का मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ये उनके लिए है जो अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो, कहने का मतलब आप आंगनवाड़ी में काम नहीं करते हो, आपने जो है ना नॉर्मल ऐसे हो, मतलब कहीं आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, कुछ जो भी है आपके पास, अगर आप भर्ती होते हो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप जो है ना आंगनवाड़ी में काम करते हो तो आपके लिए ग्रेजुएशन की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। वांछनीय अर्हता वो होती है अगर आपके पास है, देन इट इज बेनिफिशियल टू यू, अगर नहीं है तो आपको कोई हार्म नहीं इससे होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो 25% पद आपके आंगनवाड़ी के लिए, मैं आपको हरा कलर से बताता हूँ, जो 25% पद आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए हैं इस कोटि के अंतर्गत चयन हेतु निम्न अर्हता है, तो जो आंगनवाड़ी वाली है उनके लिए न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण, मतलब कि मैट्रिक पास होना उनका जरूरी, मैट्रिक कहते हैं कक्षा 12 को। आपके लिए स्नातक का कोई जरूरी नहीं कि आप स्नातक हो, कक्षा 12 भी पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, और आपको जो है ना 10 साल का अनुभव हो, आपने 10 साल एज ए आंगनवाड़ी सेविका के तहत आपने काम किया हो, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। ठीक है, अब देखो उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। आपकी उम्र सीमा जो है ना 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है ना रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की है, इसमें रिजर्वेशन के बारे में बता देते हैं वैसे एससी एसटी वगैरह को क्या है, लेकिन इसमें कहीं भी रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की है, तो आप भी, मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे दूंगा नीचे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो उम्र सीमा की बात हो गई वो 21 से 45 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम थोड़ा सा देखते हैं, ये बात हो गई, और जो है ना आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और जब आप नौकरी जब आपकी शुरू हो जाएगी तो आप अभ्यर्थी को दो पहिया वाला वाहन चलाने के लिए 3 माह के अंदर सीख लेने की अनिवार्यता होगी। मतलब ऐसा कहा जाएगा कि आप जो है ना मोटरसाइकिल या स्कूटी जो आप प्रेफर करना चाहें, स्कूटी भी दो पहिया वाला वाहन होता है, आपको 3 महीने के अंदर उसे सीख लेना, क्योंकि आपको आपके जिले में जहाँ कहीं स्वास्थ्य सेवाएं देनी है आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अब देखिए आपका जो चयन होने वाला है, ठीक है, आपका चयन जो होने वाला है, जो आपकी कमेटी बनेगी, जो आपकी चयन समिति बनेगी, जो आपको चुनेगा, वो कौन कौन से होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय रहेंगे, उप विकास आयुक्त, ठीक, असैनिक शल्य चिकित्सक, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला प्रोग्राम अधिकारी, जिला परिषद, ठीक है, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत एक एससी एसटी जन के अधिकारी, तो इतने लोग रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बाकी सब लोग सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो इतने लोगों की कमेटी बनेगी जो आपको जो ना निर्धारण करेगी। अब देखिए जो आपका जो मैंने आपको सीटें बताई थी उसमें जो है 75% एवं 25% में विभक्त कर दी गई हैं। आंगनवाड़ी के लिए 25% सीटें रिजर्व हैं और बाकी लोगों के लिए 75% सीटें रिजर्व। अब जो 75% सीटें रिजर्व हैं बाकी लोगों के लिए, उनके लिए जो कमेटी बनी है ये मैंने ऊपर आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कमेटी के कुछ खास रोल नहीं है, आपको उसके जो है ना नहीं जाना है। अब यहाँ देखिए बांटा गया जो 75% महिलाएं हैं, 2276 जो महिलाएं हैं वो नॉर्मल जनरल भर्ती है, और जो आंगनवाड़ी सेविकाओं की है वो 758 उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। तो इस तरह मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो है ना इसमें आपका मतलब कि सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी जो मेरिट वगैरह बनने वाली वो कैसे बनने वाली, उसके आधार पर थोड़ी ये देखिए आपकी जो
मेरिट बनेगी। मान लीजिए आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह इसमें फॉर्म भर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट, ठीक है, तो आपके पास स्नातक हैं, तो आपके कक्षा 10 के, ठीक है, और आपके जो है ना कक्षा 12 के, और आपके ग्रेजुएशन के 10, 12 ग्रेजुएशन, इन तीनों में जितने आपके परसेंटेज आए इनका औसत निकाला जाएगा, ठीक है। औसत कैसे निकालते हो, 62 + 73 + 61, ठीक है, मतलब तीनों के नंबर जोड़ लिए, बटा तीन, तीन से भाग दे दिए तो आपका औसत आ जाएगा। अब इसमें तीन से आप भाग देंगे तो आपका जो औसत है वो कितना आएगा, 65.33, ठीक है। अब आपका औसत ये आ गया। अब देखिए, अगर आपने स्नातक किया है तो आपको अलग से 5 अंक दिए जाएंगे, जिसे बोनस अंक कहते हो, ठीक है, तो इसमें 5 और जोड़ लो, 5 कर दो, ठीक है, तो आपके 70.3, तो आपकी जो कुल अंक बने, जो आपकी मेरिट बेस जिससे बनाई जाएगी, वो आपके अंक बने 70.33। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया, ये भर्ती आपकी मेरिट के बेस पर होने वाली है, ठीक है। अब जो जैसे कि आपने इसमें आप थे आंगनवाड़ी में काम करते थे, तो आपके पास जाहिर सी बात है स्नातक हो सकता ना हो, तो आपके जो है ना आपके लिए अलग से मेरिट बनाई जाएगी, जनरल कैंडिडेट की अलग मेरिट बनेगी, और आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप आंगनवाड़ी में हो और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका सिलेक्शन तो किसी ने रोक ही नहीं रखा है, ठीक है, तो आपको जो है ना अलग से बोनस अंक मिल जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और अगर आप आंगनवाड़ी में काम करते समय अगर आपको जो है ना कोई पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार मिला है, तो आपको 10 अंक, अगर आपको राष्ट्रीय मिला है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, अगर आपको राज्य पुरस्कार मिला तो आपको 5 अंक मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो है ना, तो अगर आपके पास कोई पुरस्कार वगैरह है तो आपको जो है ना मेरिट में काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, आपको आपकी जो पेमेंट होने वाली है वो आपको 12,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से होने वाली है, ठीक है, और प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 40 रुपये की दर से यात्रा भत्ता 1,000 रुपये मैक्सिमम आपको प्रति माह मिलेगा, ठीक है। तो यही समझिए, वो तो खर्चा ही हो जाना आपको जो है ना यात्रा भत्ता आपका, लेकिन आपको जो 12,000 रुपये प्रति माह की, यही आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। और जो है ना आपको रविवार को छोड़कर, रविवार आपको, हर रविवार आपकी छुट्टी रहेगी, और 12 दिनों तक का और अधिक अवकाश आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी राज्य सरकार की छुट्टियां होती हैं, तो इस तरह आपका अवकाश मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मातृत्व अवकाश लेना चाहती हैं, आप नौकरी करते रहना चाहती हैं, तो अगर आप बीच में मातृत्व का मतलब अगर आप माँ वगैरह बनती हैं, तो आपको 2 माह का आपको अवकाश मिलेगा, ठीक है, और आपको वेतन जो आपका 12,000 है उसका आधा 6,000 रुपये आपको प्रतिमाह के हिसाब से तब भी आपको सैलरी मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और जो है ना मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां से आपका भी 1 साल का अनुबंध है और ये फर्दर आपका कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, और मोस्टली आपका कंटिन्यू होगा। आगे देखते हैं हम, राज्य सरकार मतलब जो आपकी बिहार सरकार होगी, जो वो कहेगी वो आपको काम करना पड़ेगा, ये इसके बारे में बात थी। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो यहाँ इसका जो है ना दाइंड होता है, मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बट मैं आपको एक चीज़ और ढूंढ के बताना चाहूँगा कि आपको जो है ना ये फॉर्म आपको एक तो ऑनलाइन भर देना है, ऑनलाइन भरने के बाद आपको जो है ना भेजना है, मैं यहाँ पर एड्रेस नहीं दिख रहा है मुझे, अभी मैं देखता हूँ एक सेकेंड, क्योंकि वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मुझे पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए इसे पढ़ने में, तो मैं नहीं चाहता आपको भी जो है ना मेहनत करनी पड़े। मैं आपको इसमें ढूंढ के बता रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आपने ऑनलाइन आवेदन भर दिया, उसका प्रिंट आउट निकालिए। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपको अनिवार्य है, तथा अब आपको इसकी प्रति निबंधित डाक से, ठीक है, तो निबंधित डाक का मतलब क्या होता है, ये आपकी रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, निबंधित रजिस्टर पोस्ट से आप जो है ना संबंधित जो आपके जिला अधिकारी हैं, आपको संबंधित जिला अधिकारी को भेजना होगा, ठीक है। और ये आपके प्रकाशन की तिथि के 21 दिन, आज कितनी, आज ही इसकी वैकेंसी आउट हुई है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो अंतिम है, मैं आपको बता देता हूँ, 5 अगस्त, 5 अगस्त ये अंतिम डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की। और 21 दिन के अंदर अंदर आपका जो ना फॉर्म का प्रिंट आउट वहां पहुंच जाना चाहिए, कहां पर, ये मैंने आपको बताया, जिला अधिकारी को, जो आपके जिला पदाधिकारी हैं,
तो जिस जिले में आप रह रहे हों, ठीक है, अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएं 21 दिनों तक। आज आपकी डेट कितनी हो गई, 29, ठीक है, तो ये समझिए 20 दिन इसमें और जोड़ दी, तो 30 अगर जोड़ते हो तो वही करीब 20 तारीख के अंदर अंदर, 20 अगस्त के अंदर अंदर आपको जो है ना इसका प्रिंट आउट निकाल के डाक के माध्यम से आपको जो आपके जिला प्रोग्राम अधिकारी हैं, जिला प्रोग्राम अधिकारी उन तक आपको भेजना है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, ठीक, आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं और भी जो भी प्रमाण पत्र हैं, अभी प्रमाणित पत्रियाँ, ठीक है, तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा, ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को इस आशय का अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब आपको लिख के देना होगा, एक आपको कागज लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें लिख देना, ऊपर हेडिंग डाल देना अंडरटेकिंग, ठीक है, हिंदी में ही डाल देना, ठीक है, अंडरटेकिंग यहाँ पर लिख देना, मैं जो आपका नाम है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अंडरटेकिंग के बारे में नीचे बता देता हूँ। तो ये आपको काम करना है, आपको जिला प्रोग्राम अधिकारी जिस जिले में आप रह रहे हो पता कीजिए उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका जो मुख्यालय है वहीं पर आपके जिला प्रोग्राम अधिकारी बैठते होंगे समाज कल्याण विभाग के, आप उनका एड्रेस निकालिए, गूगल कीजिए, या आप अपने जो है ना जो आपका मुख्यालय है, आपका जिला मुख्यालय वहाँ जाइए, ठीक है, आप उनसे एड्रेस ले सकते हैं, आप वहीं पर जो है ना अपना ये भी अपना जो आपका अप्लीकेशन है वहाँ पे भी दे सकते हो आपको, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा अंडरटेकिंग के बारे में बता दूँ जो आपको फॉर्म के साथ में भेजना है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं अंडरटेकिंग में। अंडरटेकिंग में आपको क्या करना है कि लिखना है कि मैं जो आपका जो नाम है, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है क्या, मान लीजिए संजना आपका नाम है, ठीक है, मैं संजना, या जो लिखते हैं आप पुत्री, ठीक है, अपने पिताजी का नाम, ठीक है, तो ठीक है, कहती हूँ कि मैं कभी इसमें नियमित 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 होने की मांग नहीं करूंगी, ठीक है, करूंगी, ठीक है। तो ये आपका अंडरटेकिंग हो जाता है इस बात का कि ये आप समझ चुके हैं कि ये एक संविदा बेस की नौकरी है, टेम्परेरी नौकरी है, आप कभी इसे परमानेंट होने की मांग नहीं करेंगे, ठीक है। तो और आपको इसमें नीचे अपना नाम लिख देना है, जैसे आपका नाम संजना था, ठीक है, नाम लिखना, या आप जो हस्ताक्षर करते हो तो आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा, जैसे जो भी आप करते हो संजना करके, ठीक है। और जो है ना आप अपना यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक है, किस दिनांक में आपने भेजा है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है ना ये अंडरटेकिंग तैयार हो गया। तो आपको मोस्टली मैंने सारी बातें बता दी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और हाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, वहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, या आप जा सकते हैं तो आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर चले जाइए, जो आपके पहले तो बिहार सरकार में चले जाइए, बिहार सरकार की जो वेबसाइट है इसमें जाइए, फिर इसके बाद आप जो है ना जो आपकी समाज कल्याण की विभाग की वेबसाइट है, समाज कल्याण की बिहार सरकार की, उस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अगर कुछ और बचा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो है ना अपनी ये वीडियो अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि इसकी अंतिम डेट सिर्फ 5 अगस्त है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है ऑनलाइन फॉर्म भरने के, अगर डिले हो गया तो बेकार हो जाएगा, ठीक है, और एक अच्छी वैकेंसी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबके साथ शेयर करेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।